2024 में सरकारी खर्च पर पूरा देश घूमना चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार सरकार के विमान और हेलीकॉप्टर खरीदने के फैसले पर बीजेपी ने करारा हमला बोला है। बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को बैठक बुलाई थी। इस मंगलवार के बैठक में जो है वीआईपी और वीवीआईपी नेताओं और अफसरों की आवाजाही के लिए एक नया विमान और एक हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इसको देखते हुए इसको लेकर बीजेपी ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा है कि नीतीश कुमार सरकारी खर्च पर पूरा देश घूमना चाहते हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन जो है वो खरीदवा रहे हैं। बिहार सरकार के द्वारा अगले 3 महीने के अंदर एक विमान और एक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए जो है कैबिनेट के फैसले को लेकर अब बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि 2024 में नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और लोकसभा चुनाव में वह देश का भ्रमण करना चाहते हैं, इसलिए वह सरकारी खर्चे पर विमान और हेलीकॉप्टर खरीदने वाले हैं। बीजेपी प्रवक्ता अमित कुमार सिंह ने यह तमाम बातें कही है। वहीं नीतीश कुमार 2024 में आगे कहा है अरविंद कुमार सिंह ने कि लोकसभा चुनाव के दौरान सरकारी खर्चे पर विमान और हेलीकॉप्टर से आवाजाही करना चाहते हैं और देश का भ्रमण करना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने विमान और हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया है। यह जो है तमाम करदाताओं के साथ जो है पैसे की बर्बादी है। तो वहीं छपरा शराब कांड में जो है मरने वाले लोगों के परिवार को देने के लिए सरकार के पास मुआवजा नहीं है, लेकिन विमान और हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए पैसा खर्च कर रही है नीतीश सरकार। बता दें कि बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को वीआईपी और वीवीआईपी नेताओं और अफसरों की आवाजाही के लिए एक नया विमान और एक हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस संबंध में एक प्रस्ताव जो है नागरिक अड़ियन और निदेशालय कैबिनेट सचिवालय विभाग बिहार सरकार द्वारा तैयार किया गया था। तो वहीं जिसमें देखा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो है कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई थी। तो वहीं बिहार सचिवालय में जो है अतिरिक्त मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था, जो एक नया विमान 10+2 सीटर और एक हेलीकॉप्टर खरीदने के तौर पर जो है तरीके पर जो है निर्णय लेगी। तो वहीं इससे विमान और हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए मूल्य निर्धारण जो है वो शामिल है। तो वहीं समिति को 3 महीने के भीतर इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट देने का काम सौंपा गया है। वहीं उन्होंने आगे बताया है कि राज्य सरकार के जो पास वर्तमान में 6 सीटर प्रोपेलर संचालित विमान किंग एयर C-90 और जो है VTEVZ और एक डॉल्फिन निर्मित हेलीकॉप्टर है, वहीं डॉल्फिन AS-365 VT-EA-NU और लेकिन देखा जाए तो तकनीकी खराबी के कारण दोनों के जो है मरम्मत का काम चल रहा है। तो फिलहाल बता दें आपको कि बीजेपी ने कराके का हमला बोला है। बीजेपी के प्रवक्ता ने यह साफ कहा है कि 2024 में नीतीश कुमार जो है सरकारी खर्चे पर पूरा देश घूमना चाहते हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन खरीद रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।